नमस्कार अम्मा, आओ अम्मा, नमस्कार अम्मा, आओ बैठ के बात करते हैं। अम्मा परिवार में कोई है आपके? भैया परिवार में अब तो कोई भी नहीं, मेरे आदमी को 40 साल। कितना टाइम हो गया डेथ हुए आपके? 40 साल। कितनी उम्र है अम्मा आपकी? 75 साल। 75 साल की उम्र है। तो अम्मा दिन भर में आप कितने पैसे कमा लेते हो? अब कभी तो 30 भी मिल जाए, कभी 50 भी मिल जाए, कभी 100 भी मिल जाता है। अम्मा बच्चे हैं आपके परिवार में? भैया परिवार में बच्चे बम्बई रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा। वो एक पैसा नहीं लेते, कुछ ना, नहीं देते? नहीं, ना मैं उनके पास जाती हूँ, ना वो मेरे पास आते। बच्चे बुलाते हैं? नहीं बुलाते भी नहीं आपको। बॉम्बे में क्या करते हैं बच्चे? वो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं तो आप पैसे कुछ मतलब उनके पास? नहीं पैसा ही नहीं, मैं जानती हूँ। अब इतना पैसा नहीं चलता, कम दिखता है। कम दिखता है आपको? अभी ऑपरेशन हुआ था 1-4 मेरे को, तब पैसा ही नहीं। मतलब आपकी आंखों में कमजोरी है? हाँ, दिखता ही नहीं, दूर का दिखता नहीं है। दूर का दिखता नहीं है, आप दिखे हो। तो चश्मा बनवा दें आपका? बड़ी मेहरबानी, हम आपका चश्मा बनवा दें। ठीक है। और अम्मा हम आपकी मदद करना चाहें तो? और बस यही राशन पानी के थोड़े परेशान। राशन पानी की परेशानी? अब दवाई भी ख़त्म है, 300 की आती है दवाई। 300 रुपए की दवाई? हाँ, हाँ। चश्मे का दवाई का हम देखते हैं अभी करवा। भैया अम्मा की आंखों के दर्द, आइए अम्मा यहाँ थोड़ी रख लो, मास्क उतार लो, 1 मिनट आगे बोलो दोनों। ठीक है ना? चलो नहीं अम्मा पैरों को हाथ मत लगाओ, चलो अम्मा पहले आपको दवाई दिलाते हैं, आपको आंखों की दवाई दिलाते हैं। आओ अम्मा, ये तो 4 बार डालते हो ना? हाँ। 4 बार ये भाई डालना, जैसे डालते हो ऐसे डालना। ये आपको 4 बार ये एक नंबर हो गया। हाँ। और ये 2 बार डालते हो? हाँ। रख लो अम्मा, अम्मा दवाई हो गई तुम्हारी? हो गई। चश्मा हो गया तुम्हारा? हो गया। चलो अब तुम्हें राशन दिलाते हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपके, आपका परिवार बना रहे। आओ भैया, जो जो सामान ये बताए वो पैक कर दीजिएगा। सरफ हो गया, साबुन हो गया, कपड़े धोने वाला, नहाने वाला, और मसाले हो गए, तेल हो गया, आटा हो गया, आटा हो गया, चीनी, चावल हो गए, चापत्ती हो गई, मिर्च मसाले हो गए। अम्मा कैसा लगा आपको हमारा यहाँ तक आपके पास चल के आना? अच्छा लगा। आगे से आपको कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझे फोन करना, अब आप भीख मांग के नहीं खाओगी। बताने नहीं हूँ, बीमार हो गई थी एक दफ़ा, मैं इतनी बीमार, एक हाथ में चक्कर, खाट में पैसा, और उनको बच्चों को फ़ोन करा, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? आए नहीं कोई सारे। अब अम्मा आपके चश्मा लग गया, आप आराम से देख पा रही हो? हाँ देख पा रही हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अब आपको? नहीं, नहीं, कोई नहीं। मैंने तो शुरू से ही दुख उठाए, मेरा पति अच्छा इंदिरा गांधी मरी थी ना, उसके रात में खो गया है ना, फिर मैंने झल्ली ढो, ये मजदूरी करते हैं, मजदूरी करती थी 10 रुपये की दिहाड़ी। अच्छा। तब इनको पाला पढ़ा था, वहाँ मेरे बाप ने मकान ले दिया था जमुना पार में, तो पाला पढ़ा था, मकान बेच के इनको ब्याह बरात करो। आज ये है कि आज यही छोड़ के चलो, आज ये है कि मैं करो। आप रो मत अम्मा, क्यों रो रहे हो आप? हम है ना आपके पास, अब आपका दूसरा बेटा आ गया अम्मा आपके पास चल के। अम्मा कितने दिन से दवाई नहीं थी आपके पास? ये 1 महीने की दवाई है। नहीं पहले कितने दिन से नहीं थी, कब से दवाई नहीं डाली आपने आंखों में? आँख में ये परेशानी हो गए, 2-3 साल हो गए।
अच्छा, फिर मेरे पैसा ही नहीं था। पैसा नहीं था तो इसलिए दवाई भी नहीं डाल पाई। पैसा भी नहीं था, दवाई भी नहीं दे पाई। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ अभी, मेरा नंबर ले लो। राशन खत्म हो जाएगा मुझे फोन कर देना, कोई परेशानी हो मुझे फोन कर देना। लेकिन अम्मा अब आप भीख नहीं मांगोगी इस उम्र में। भगवान राजी है हमारा, तुम्हारी लंबी उम्र हो, खूब परिवार बना रहे, मम्मी पापा बहन भाई सब बने। मैं तो कह रही हूँ आपकी शादी हो जाएगी, अच्छे परिवार बन जाएगा। अच्छा अच्छा अम्मा, मेरे को। अच्छा अम्मा, मिलेंगे फिर आपसे। हाँ, जब भी आओगे ना आप मिलने। हाँ मिलेंगे अम्मा, मिलेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाय अम्मा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सार्थक। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये अम्मा जी हमें रोड साइड भीख मांगती मिली। इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये आंखों का चश्मा, आंखों की दवाई या कुछ खाने के लिए राशन भी ले सकें। ये दो वक्त की रोटी के लिए सड़क पर भीख मांग रही थी। दोस्तों बच्चों के वेल सेटल हो जाने के बाद भी ना जाने क्यों बच्चे माँ बाप को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, उन्हें खाने का सामान दें पैसे ना देकर। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप हमें कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें तो उसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमें वहां से डायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।